हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्योति किचन ब्लॉग। तो आज मैं संडे स्पेशल लंच थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, हम वीकेंड पे बाहर जाते हैं और बाहर से ही लंच करके आ जाते हैं। तो आज मैं कहीं गई नहीं थी, तो आज मैंने बच्चे की पसंद से खास करके बनाया लंच थाली। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। अगर मैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे अनुसार से रेसिपी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर मशरूम लिया है। जो मशरूम एक ऐसी सब्ज़ी है, अगर किसी को पसंद आती है तो बहुत आती है, और अगर नहीं आती तो बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर जिनको नहीं पसंद हो, आप मेरे अनुसार से एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे मशरूम 200 ग्राम के लगभग लिया है। इसे मैं बस ऊपर के भाग को काट लूँगी क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। अब जो बड़े साइज का हो उसे आप दो भाग काट लें, और छोटे साइज का हो उसे आप दो भाग में ही रहने दें। आप अपने अनुसार से आप साइज को छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़े साइज का चार भाग करा है और दो साइज किया है जो छोटे छोटे थे। तो मैं इसे अच्छी तरह से धोकर पहले निकाल लूँगी। दो तीन पानी से आप अच्छे से धो लें। और मैं इसे मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच के लगभग दही लिया, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच किचन किंग मसाला, थोड़ी सा नमक, क्योंकि हमें नमक बाद में भी यूज करना है। अब इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब इसके बेसिक मसाले को मैं पीस लूँगी थोड़ा दरदरा टाइप पे। ये मैं फ्रेश मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पहले से भी हो, ज़्यादातर लोग रखते ही हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी आप यूज कर सकते हैं, पर फ्रेश मसाला पीस कर डालने से टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अब मैंने यहाँ पे चॉपर का यूज़ किया है। मैंने प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर, और ये टमाटर को भी चॉप किया है। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी ले सकते हैं, काजू का पेस्ट, थोड़ा सा ये सब्ज़ी में थोड़ा रिचनेस ले आता है। अगर काजू का पेस्ट के जगह पे आप मलाई, फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हैं, दूध का बना हुआ मलाई। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने 2-3 चम्मच के लगभग तेल लिया है, जीरा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, लौंग, एक छोटे से दालचीनी का टुकड़ा। इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद प्याज को भूनें, सुनहरा होने तक भूनें इसे। जब ये हल्का पक जाए तो इसमें आप जो मसाला पीसे थे ना, लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट, उसे भी डाल दें। अब उसके बाद मैंने यहाँ किचन किंग मसाला लिया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, ये मेरा घर का बना हुआ सारा मसाला है। अब इसी स्टेज पे आप टमाटर भी डाल दें, क्योंकि टमाटर हमारा चॉप किया हुआ था। अब अगर टमाटर गया है तो नमक भी जाएगा साथ के साथ। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर बहुत आसानी से गल जाएगा और कम टाइम में ही। जब तक ये पक रहा है तब तक हम इधर जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने थोड़ी सा घी लिया है, 2 चम्मच जीरा, साबुत गरम मसाला, एक लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दालचीनी। अब 1 गिलास चावल लिया है जिसमें हम 2 गिलास पानी का यूज करेंगे, थोड़ी सा नमक, और यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए। अब इसे 1 सीटी आने तक इसे पकाना है, और जब ये सीटी निकल जाए तो हमें उसे निकलने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा कुछ मसाला थोड़ा पानी तेल छोड़ने लगा। इसी स्टेज पे हम वो मैरिनेट किया हुआ मशरूम को डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसे ढककर पकाने से क्या होगा, मशरूम हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो फिर से चेक कर लेते हैं, तो देखिए हमारा धीरे साइड साइड से हमारा तेल छोड़ने लगा है। इसे थोड़ी देर के लिए और ढककर हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लगभग बनकर तैयार हो गया। तो हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे, उसे भी डालकर अच्छे से मिला लें। और ये जार में जो बचा हुआ था काजू, उसमें थोड़ी सा पानी डालकर, बस ज़्यादा नहीं मुझे डालना है इसमें पानी, थोड़ी सा ही डालें, और इसे अच्छी तरह से पका लें। ढककर पकाने से क्या होगा, बहुत अच्छे से पक जाता है। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। और इसमें लास्ट में हम धनिया पत्ता डालेंगे, हरी धनिया पत्ता। अब इसे भी ढककर 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में हमारा ये बन जाएगा। तब तक हम इसे जीरा राइस को चेक कर लेते हैं। तो हमारा घर का ये डेली यूज का चावल है, तो आप देख सकते हैं साथ ही के साथ हमारा ये मशरूम की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है, मसाला मशरूम। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे नान, चपाती, प्लेन रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैं फ़िलहाल ट्रायंगल शेप में पराठा बना रही हूँ।
ये हमारा सिंपल पराठा ही है। मेरा मकसद रहता है कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊं जो बच्चे बड़े दोनों को पसंद हो, और बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत आसानी से खा लें, इसलिए मेरा ज़्यादातर खाना थोड़ा लाइट ही रहता है। मसाला और तेल मैं बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं पसंद करते खाना। तो मैंने यहाँ पे साथ ही साथ तो प्लेन दाल बनाई है, उड़द दाल और मिक्स दाल है, उड़द मसूर अरहर मिक्स दाल, और मैंने दाल में थोड़ी सा घी डाला है क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। आई होप आप लोग को ये मेरी लंच थाली अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मम्मी बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू मम्मा। हाँ अच्छा।